अब बात मत कीजिए। को रट जाइए। 3 डिग्री मतलब यह CS3 क्या है, समथिंग लाइक दिस, क्यों और कैसे बाद में पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए इस टाइप का जहाँ पे 3 डिग्री है, तो इसमें अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट लाइक दिस वन अगर डालते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। इसको लिखिए, जस्ट रिएक्शन, चलो NCERT लेकर आए हुए हैं ना, एक रिएक्शन में नज़र डाल लेते हैं। जस्ट एक बार रिविजन कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ पे पढ़ाऊँगा नहीं अभी। ये रिएक्शन कहाँ पढ़े हैं, सिर्फ नाम बताते रहिए, अल्किन में, अल्किन के प्रिपरेशन सॉरी प्रॉपर्टी में। और अल्कोहल बनाने का कितना मेथड था वहाँ पे, 3 मेथड, डायरेक्ट यूज ऑफ H+ वाटर, फिर था हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, और फिर था हाइड्रेशन थ्रू ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। हाइड्रेशन थ्रू व्हाट, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड, याद है आप लोग को, तो ये हो चुका है ना CH3CH OH CH3, डन। ये हम लोग क्लास में कर लिए हैं, करेक्ट। लिखिए लिखिए, देखिए तो एक क्लास में किए हैं। ये भी तो अल्कोहल का प्रिपरेशन है, राइट। इसमें किसका OH जाता था, H2O2 का, किससे जाता था, कहाँ पे OH जाएगा, यस एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट था, विदाउट वायलेटिंग मार्कोनी का रूल, करेक्ट। देखिए तो ये पढ़ाए थे, ये भी अल्कोहल का प्रिपरेशन था, राइट। इसमें कहाँ पे, ये सब दोबारा यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ कि अल्कोहल कैसे पढ़ा चुके हैं, करेक्ट। लिखते रहिए, स्टूडेंट देखे तो ये पढ़ा दिए हैं, ये तो 10 आवर पढ़ाए हैं SN2, राइट। एक्वस है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रहेगा, करेक्ट। अच्छा शुभांकर देखे तो ये पढ़ाए हैं, ना यहाँ, ये तो 2 दिन पहले पढ़ाए हैं। ये अल्कोहल का प्रिपरेशन चल रहा है, इसमें लाह डालेंगे सर और भी कमाल का रिएक्शन हो जाएगा, नहीं ज़्यादा फास्ट रहेगा। चलिए, क्या मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट है, ईथर से अल्कोहल नहीं पढ़ाया हूँ, वो ईथर में पढ़ाऊँगा, ईथर अभी नहीं पढ़ाया ना, इसके बाद ईथर ही इसमें कवर करेंगे। चलिए सिर्फ बोल दे रहे हैं,
सुन लीजिए, एसिड से अल्कोहल पढ़ाया हूँ, सबको बोलना है एसिड से अल्कोहल मतलब रिडक्शन एक ही कर सकता है वो ला, करेक्ट। एसिड हैलाइड से अल्कोहल पढ़ाया हूँ, कैसे बोलिए, उसमें डालते क्या हैं, उसमें डालते हैं NaBH4 या ला, पहले क्या होता है SNTH और फिर क्या होता है, इसका मतलब एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं, एसिड हैलाइड से भी अल्कोहल बना सकते हैं, ये पढ़ चुके हैं, उसको लिखने में यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या एसिड एंड हाइड्राइड से अल्कोहल पढ़ाए हैं, दिमाग में स्ट्रक्चर आइए, एसिड एंड हाइड्राइड में लाह डाले थे राइट, दोनों कार्बोनाइल कार्बन कन्वर्टेंट व्हाट CH2OH क्या बन जाता है, वेरी गुड। एमाइड से एमाइन पढ़ाए हैं, गूगल कर रहे थे, पढ़ा चुके हैं ना, वेरी गुड। 1 डिग्री एमाइन से अल्कोहल पढ़ाए हैं बाय टेकिंग NaNO2HCl 0 डिग्री से राइट, करेक्ट ना, वहाँ पर तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए थे, 2 डिग्री में एलो ऑयल बनता था राइट, और 3 डिग्री में क्लियर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट विदाउट एवलेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, करेक्ट। तो मैं एक बार खुद का रिव्यू कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या पढ़ाया, क्या एस्टर से अल्कोहल पढ़ाए हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े हैं कि दो जगह दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा तो हम लोग कार्बोनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ओके। इसे कुछ नया खोज रहे हैं, मतलब एक मटेरियल रहता ना बहुत सारे कोचिंग क्लासेस का, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या कहीं पे कुछ छोड़े तो नहीं है। हाँ उसी को मैं इसलिए मैं NCERT का बोल रहा हूँ, तो कहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया है, तो हेलोजन डेरिवेटिव शुरू करके लास्ट तक चले जाएंगे, उसमें आपको भी फायदा होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, लेकिन भाई आप लोग सिर्फ हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल मत रिविजन करके जाइएगा, पूरा रिएक्शन जो पढ़ाए हैं मिक्स रहता है, अल्किन में पढ़ाए थे अल्कोहल में जो आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, पढ़ाए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज़्यादा रहेगा इसका कम रहेगा, बोले क्यों, नहीं ये स्टेटिकली क्राउडेड रहेगा ना, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग थोड़ा कम बनेगा, बट ये टर्मिनल पे है तो इसका ज़्यादा बनेगा, तब 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में इफ़ मोलर मास इज कीपिंग कॉन्स्टेंट, तब 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, ये सब कुछ पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, बट ये तो है तो अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में एक बार देख लीजिएगा, करेक्ट। NCERT देखेंगे तो वहाँ पे कुछ तो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, NCERT में तो मैं हाफ एन आवर में पूरा पेज को ऑब्जर्व किया कर गया, उसमें आपका ए भी था एसिडिक करेक्टर एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिटी बेसिसिटी तो मैं एक पूरा मतलब 3 क्लास लिया हूँ, उससे ज़्यादा आएगा तो उसको भी देख लीजिए एक बार, ओके। अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रुकना है 100%, क्या लेंगे क्या लेंगे, ओके PCC उसका फुल फॉर्म क्या है, पिरिडिनियम, ओके एवरीवन, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको लिखना है, आज एक जनरल क्लास चल रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे, इसमें सोडियम डालेंगे क्या होगा, RO-Na+ अप्लस और एसिड में सोडियम डालेंगे क्या बनेगा, एक मिनट, बट आपसे एक्सटर्नल ए पूछ रहे हैं कि अल्कोहल और एसिड में डिफ्रेंशिएट करना है, एक कंटेनर में अल्कोहल रखा हुआ है एक में एसिड, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो रहता है सोडियम डालकर देखना चेक करना, बट यहाँ पे क्या हो पाएगा, दोनों तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और दोनों क्लियर सोल्यूशन नजर आएगा सॉल्ट का, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सोडियम, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब लैब में काम कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे बोलिएगा, जिसका सॉल्यूशन दिया रहेगा ना राइट,
इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे। एक्चुअली एक इसी नाम रिएक्शन से फेमस है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे और एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। नो डाउट ये बेसिक करेक्टर है क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, बट ये सॉल्ट एसिडिक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सॉल्ट एसिडिक है बट इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है बेसिक, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस बिक एसिड का है। क्या है? तो एक्चुअल में जब इसमें यहाँ इसका हाइड्रोजन एसिडिक है बट इतना एसिडिक नहीं है कि सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन जो स्लाइटली बेसिक नेचर का है उसके साथ हाईली इसको सफिशियंट एच प्लस प्रोवाइड कर सके। दैट्स वाई यहाँ पे एफरवेसेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बट यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, लिख ले नो एफरवेसेंस, देखिए तो नो एफरवेसेंस, बट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डालिएगा, ठीक है? तो ये है एसिड है तो यहाँ पे ए बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा, अब प्लस एस टू सी ओ थ्री बन जाता है, ठीक है? और एस टू सी ओ थ्री वेरी वीक एसिड, ए डिसोसिएट थर्मली हाईली अनस्टेबल, ए डिसोसिएट किस में करेगा? इसका गैस आउट होगा। इसका मतलब एसिड और अल्कोहल का डिफ्रेंशिएट करने का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। किससे किसको लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें एफरवेसेंस होगा बट इसमें एफरवेसेंस लिख लीजिए, इसको रट भी जाइएगा। इसका सिग्निफिकेंस है कि आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, करेक्ट? कार्बोक्जिलिक एसिड एंड अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे? रिएजेंट। उतना ना कोई रिएजेंट फेमस है तो उसके लिए यह फेमस है, बट सोडियम नहीं डाल के फेमस कर सकते थे। तो लैब मेथड के लिए, लैब के लिए इसको डालेंगे तो इसमें एफरवेसेंस नहीं होगा, बबल्स नहीं निकलेगा CO2 का, बट इसमें डालेंगे तो CO2 का बबल्स। तो ये है ए रिएक्शन नहीं पढ़ाया हूँ स्टूडेंट, बट किसी क्लास में मैं आपको दिया था, याद है? अल्कोहल, ये क्या है? डाइजोमीथेन ना, क्या नाम है? लिखे नाम प्लस कौन सा गैस? नाइट्रोजन। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल, सी एच टू एन टू को हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? जिनको डाउट है कि कैसे बनेगा कार्बिन, वो कार्बिन का प्रिपरेशन में जाएंगे, ठीक है? पढ़ा चुके हैं। और कार्बिन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, राइट? यहाँ से ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आर ओ एच प्लस सी एच टू माइनस, और यहाँ का एच प्लस फिर कहाँ चला जाएगा? इंट्रामोलिकुलर एच प्लस ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर एच प्लस ट्रांसफर लिख लीजिएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच प्लस ट्रांसफर। मैकेनिज्म टफ था या आसान है? आसान है। अब लिखिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड हैलाइड, ये दो जगह पर रिपीट होगा, एसिड हैलाइड में दोबारा ही आएगा, ठीक है? ध्यान से देखना है, बट यहां पे ध्यान से देखिएगा, सम अमाउंट ऑफ पिरिडीन डालते हैं, हालांकि हो सकता है कि आपके रिएक्शन में ये नहीं दिखाया रहे, तो बनता है सी एच थ्री HCl, करेक्ट? ये नया रिएक्शन। मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऑब्जर्व कीजिए तो स्टूडेंट क्या हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म।
फॉर्म हुआ था, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन है, और इसके रेस्पेक्ट में भी सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैं अपना एक एरो बचाना चाह रहा हूं। यहां देखिएगा रुद्रांग, इसे आउट कर देते हैं और यहां से क्या आउट करते हैं, तो यहां का Cl माइनस यहां का H प्लस बिकम्स व्हाट, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, H प्लस आउट कर रहे हैं फिर यहां बैठा रहे हैं, फिर ये बात डायलॉग दे रहे हैं कि सेम कारण पर HCl सर्वाइव नहीं करेगा, तो क्या बन जाएगा, तो कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है सर, SNTH राइट। तो बस थोड़ा सा हिंट करने से आपका काम चल गया। यहां देखिए, अब लिखिए फर्स्ट, इसको हटाए, ये तो आप लोग का रटा हुआ मैकेनिज्म है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन सर अभी तक प्रीडीन का रोल तो आया नहीं, व्हाट द रोल ऑफ, तो प्रीडीन का रोल क्या होगा उसको समझने के लिए पहले इसको समझिएगा, तब समझ में आ जाएगा। यहां देखेंगे एवरीवन, अगर यहां पे ड्राई HCl, क्या लेंगे ड्राई, अच्छा ड्राई HCl का मतलब आप क्या समझते हैं, ऐसा तो नहीं एकदम सूखा हुआ HCl, मतलब प्योर HCl, मतलब वहां पे वाटर नहीं है, तो ड्राई HCl अगर इसमें डालेंगे तो CH3OH+OR, करेक्ट है ना, एच प्लस कौन देगा सर, इसका मतलब है कि एच प्लस और Cl माइनस, और यहां से Cl माइनस अटैक करेगा, करेक्ट, CH3 क्या बन जाएगा OHCl OR, सराउंडिंग किसका है भाई, HCl का, अब किसको जाना पड़ेगा OR, कौन जाएगा OH का लोन पे 20 पावर ज्यादा है, Cl तो पक्का नहीं जाएगा क्योंकि उसको सराउंडिंग में है, तो OH और OR में किसका लोन पे 20 पावर ज्यादा है, OH का, बन क्या जाएगा प्लस ROH, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर लेते और अगर HCl वहां प्रेजेंट रहेगा तो रिएक्शन रिवर्सेबल रहेगा, क्या रहेगा, किसके वजह से, क्योंकि इसमें ये डालते हैं एस्टर में, अगर ड्राई HCl डालते हैं तो हम लोग को दोबारा क्या मिलता है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का प्रिपरेशन है प्लस अल्कोहल, लेकिन मुझे यहाँ से इसमें इसके साथ रिएक्शन करना और पीछे नहीं आना है, सर किसी तरीके से अगर HCl को डिस्ट्रॉय कर दें तो काम बन जाएगा, क्या करेंगे, तो यहाँ पर नहीं आने के लिए हम लोग वहाँ पर क्या डाल देते हैं, बट जनरली NCERT में वगैरह में देखता हूँ कि सब लिखा हुआ नहीं रहता है, नहीं भी लिखा रहेगा तो आप इधर आ जाइएगा, ठीक है, बट मैं आपको समझा दिया कि अगर प्रीडीन लेंगे तो प्रीडीन क्या करेगा, HCl को एसिड बेस रिएक्शन करके डिस्ट्रॉय कर देगा, और रिएक्शन को कहाँ जाने से रोकेगा, रिवर्स, तो लिख लीजिए लैंग्वेज में, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीडीन, क्या लिखेगा, प्रीडीन का रोल क्या है, इट डिस्ट्रॉय द प्रोड्यूस HCl सो दैट रिएक्शन डज नॉट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हो जाएगा तो बोलिएगा, इसको हटाए, अल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑफ एस्टर
एस्टरीफिकेशन का रिएक्टिविटी आएगा, ठीक है, ऑफ तो वहाँ पे पढ़ाया है ना रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, वो देख लीजिएगा, उसमें दो फैक्टर, एस्टरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसको हटाएं, पिरिडीन का रोल था कि प्रोड्यूस HCl को डिस्ट्रॉय करता है, क्या बनेगा? जो अभी मैं पढ़ाने लिखा हूँ उसको मैं पूरा एक क्लास पढ़ाऊँगा बाद में, अंडर द हेडिंग एसीटल केटल हेमिसिटल हेमिकेटल, ठीक है। यहाँ देखिए, भाई आपको हाइड्रेट तो पढ़ाया है ना, राइट? तो हाइड जस्ट लाइक हाइड्रेट CH3, यहाँ पे H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा CH3COH+। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, करेक्ट है ना, और यहाँ से H प्लस को माइनस कर दें क्या बन गया, दिस वन, करेक्ट, ठीक है। तो यहां से यहां तक आना क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रेट में क्या बोलते थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्डिहाइड, यहां पे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्डिहाइड। दोबारा इसको लेंगे लेकिन अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, यहां देखिएगा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक चारों डायग्राम बनाइए, तो फर्स्ट अब मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, सेंटेंस यहाँ देखिए एवरीवन, वैसा कार्बन जिसपे वन ओ एच, वन ओ एच और वन ओ आर, और उस कार्बन पे एटलीस्ट वन एच, मतलब एल्डिहाइड में अल्कोहल का एडिशन हुआ है, करेक्ट, तो इसको बोलते हैं वन ओ एच एंड वन ओ आर, वन ओ एच एंड वन अल्कोक्सी, उसमें क्या है एटलीस्ट वन एच, तो उसको बोला जाता है हेमी एसिटल, क्या, यस और वैसा कार्बन जिसपे दो ओ आर, क्या है,
और एटलीस्ट वन एच, तो उसको बोलते हैं एसीटल। इसे कैसे हम लोग बोलते थे कि वैसा कार्बन जिसमें दो एच और एटलीस्ट वन एच, तो बोलते थे हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड। सिमिलरली पहले सुन लीजिए फिर बाद में सेंटेंस लिख लीजिएगा, वैसा कार्बन जिसपे वन ओ एच वन ओआर बट एक भी एच नहीं है, करेक्ट, देर इज नो एनी हाइड्रोजन ऑन दैट कार्बन, तो उसको बोलते हैं हेमिकेटल। मतलब कहाँ से आया होगा, कीटोन से। वैसा कार्बन जिसपे दो ओ आर और एक भी एच नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, केटल। तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं, फिर से एक बार बोले, देखिए तो मैं लिखवाता हूँ पहले डायग्राम, उसके नीचे एरो देख लिख लीजिएगा। इफ वन ओ एच एंड वन ओ आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, इफ वन ओ एच एंड वन ओ आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एंड एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन, देन इट इज कॉल्ड हेमी एसीटल। तो इसी तरीके से बाकी तीनों के लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं, बना लीजिए। फर्स्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट इसका इसका डिफरेंट मैकेनिज्म रहेगा सेम, डिटो सेम, और इसका इसका सेम रहेगा। इसका मैकेनिज्म तो अभी मैंने दिखा दिया, और इसका मैकेनिज्म बता देंगे तो बाकी दोनों को आप प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कर लीजिएगा, पक्का। चलिए बट यहाँ देखिएगा, अगर वन मोल लेते हैं कहाँ पहुँचेगा, हेमी एसीटल। इसमें टू मोल या एक्सेस लेंगे तब कहाँ पहुँचेगा, एसीटल। वन मोल लीजिएगा कहाँ पहुँचिएगा, हेमिकेटल। टू मोल लीजिएगा कहाँ पहुँचिएगा, केटल में, करेक्ट, ठीक है ना। ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी में आ गया, करेक्ट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट ये पूरा क्लास लेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं क्योंकि मैं सुक्रोज पढ़ाते रहूँगा कार्बोहाइड्रेट में, और पूछूंगा सुक्रोज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन रहेगा हेमी एसीटल हेमी केटल, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगा, ये चार डिफिनेशन है, राइट।
यहाँ तक का मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है एवरीवन? अभी जस्ट दिखाया है ना यहाँ से यहाँ तक का, करेक्ट? सराउंडिंग में क्या है? अल्कोहल क्या है? और अभी अल्कोहल बचा हुआ है, करेक्ट? जाना किसको पड़ेगा? OH को, करेक्ट? अगर नहीं एक्सेस रहते, 2 मोल नहीं लेते तो यहाँ पे आकर रुका हुआ रहता, बट मैंने तो प्रोवाइड कर दिया 2 मोल, तो 2 मोल देने का मतलब मैं फोर्स कर रहा हूँ किसको आउट करने के लिए? OH को, करेक्ट? इसका मतलब है कि जिसको जाना पड़ेगा हम लोग डिसाइड कर लिए, तो इसको प्रोटोनेट कर देंगे। क्या करेंगे? प्रोटोनेट। OH को करेंगे या OR को? इसका तो सराउंडिंग ही है, राइट? तो किसको प्रोटोनेट करना है? तो CH3 बहुत आसान मैकेनिज्म है, OH2+। कोई पूछेगा इसी को क्यों प्रोटोनेट किया गया है, तो बोलना है कि एक्चुअली अल्कोहल को लाना है, राइट? और यहाँ से इसे आउट कर देंगे। इंटरमीडिएट क्या बनेगा एवरीवन? कार्बोक्राइन, एंड दिस कार्बोक्राइन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, करेक्ट? और यहाँ पे आउट क्या हो गया? वाटर, अब यहाँ से दोबारा किससे अटैक कर देंगे? अल्कोहल से, समझ गए? इसका मतलब है कि यहाँ से, यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कितना रिएक्शन? 2 रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहाँ के बाद क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? लिविंग ग्रुप गया ना, एक गया और दूसरा आया, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, बट कार्बन पे जो काम हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेने का हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ SN1, काइंड ऑफ व्हाट SN1, ठीक है ना? तो ए और बी का मैकेनिज्म दिखा दिया, तो क्या सी और डी का ड्रॉ कर लेंगे? तो प्लीज़ सी और डी के लिए एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए और घर पर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? तो मजाक में क्या क्या बनाने का तरीका सीख लिया है? हेमी एसीटल एसीटल, हेमी केटल केटल। अभी के लिए इतना ही, ऐसे इसमें पूरा क्लास चाहिए, बट अभी के लिए बस इतना ही जानिए। यहाँ देखिएगा, ब्लेंसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पढ़ा चुके हैं, करेक्ट? और अल्कोहल में अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट करेंगे क्या बनेगा? अल्किन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा? लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए लेकिन आइस कोल्ड रखे तब क्या बनेगा? बोलिए, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनता था? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्कोहल अल्किन में पढ़े हैं, उसको देख लीजिएगा, वो यहाँ भी रिएक्शन दिया हुआ है, और वहाँ पे H2SO4 अलग अलग तरीके से कैसे ईथर भी बनता था, राइट? तो वो भी देख लीजिएगा। पढ़ाया और रिएक्शन दोबारा यहाँ पे नहीं लूँगा, मतलब पूरा रिएक्शन आपको शॉर्ट नोट्स बनाइए, बाकी प्रॉब्लम डिस्कशन में जो जहाँ पे आएगा। यहाँ देखिएगा एवरीवन, अगर अल्कोहल को रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करेंगे ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या बनता है? अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का नेक्स्ट स्टेप क्या है ऑक्सीडेशन का? एल्डिहाइड। बट इतना भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा कि एसिड बन जाएगा, कहाँ पे रुकेगा? अब प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लीज़ इसको लिख लीजिए।
2D अल्कोहल में, 2D अल्कोहल को रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करेंगे, कीटोन बन जाता है, याद रहेगा। और 3D अल्कोहल का रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो बोलिए भाई, रिएक्शन होता है, ये बोलिए कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, एल्किन बन जाता है, क्या बनता है, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो 1D अल्कोहल, 2D अल्कोहल, 3D अल्कोहल, किसका प्रॉपर्टी, कॉपर का, यहाँ से बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या अल्कोहल का लुकास एजेंट का टेस्ट आप लोग कर लेंगे, 3D अल्कोहल में लुकास एजेंट डालेंगे, थ्री डी अल्कोहल में तो सबसे फास्ट होगा, 1 डिग्री में नहीं होता है, 3D अल्कोहल में टर्बिडिटी या क्लाउडनेस अपीयर क्विकली, वो क्लाउडनेस किसका, RCL का, 2D अल्कोहल में थोड़ा टाइम लगेगा, और 3D अल्कोहल में, सॉरी 1 डिग्री में नॉट इवन सेकिंग, तो उसको हीट करना पड़ता है, करेक्ट, लुकास रिएजेंट। स्टूडेंट अभी के लिए बाद में रिएक्शन पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहां देखिएगा, एक तो हो गया अल्कोहल का डिग्री का टेस्ट के लिए क्या, लुकास एजेंट, दूसरा 1 डिग्री, 2D, 3D अल्कोहल का टेस्ट के लिए एक टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट, करेक्ट। 1 डिग्री अल्कोहल, प्लीज अभी के लिए बस रट लीजिए स्टूडेंट। सर हाँ, क्या नहीं होता है, एक मिनट, नहीं नहीं मुझे याद है, मत पलटिए। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे केस ऑफ कॉन्क HCl, क्या पढ़ रहे थे, राइट, और 3 डिग्री और 2 डिग्री फॉलो करता है SN1, करेक्ट, और वहाँ पे ही बताए थे कि SN1 SN2 में कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट कंपेयर करते हैं, और SN1 का रिएक्टिविटी SN2 से, और 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो करता है SN2, तो 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में कार्बोक्टेन ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो देता है, उसको और फास्ट करने के लिए फॉर बेटर लिविंग ग्रुप के लिए ZnCl2 मिलाते हैं, तो 3 डिग्री सबसे फास्ट देता है, करेक्ट। अब फिर भी डाउट है तो आपको वहाँ पर जाकर रिविजन करना है, जो 3 डिग्री में सबसे फास्ट, सही है ना, आप लोग भी कन्फ्यूज हैं या मैं सही बोल रहा हूँ, चलिए भाई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका रिएक्शन मैं बाद में पढ़ा दूंगा, अभी के लिए इसमें पहले डालते हैं P+I2, रेड फास्फोरस HI नहीं, P+I2, और सेकेंड में डालते हैं AgNO2, और थर्ड में डालते हैं NaOH, कलर रहता है रेड, करेक्ट, यह आ सकता है ऑब्जेक्टिव। और इसमें हाँ, ये सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ किसके लिए, ये टेस्ट आ सकता है, मतलब आपको इतना नहीं भी याद रखते हैं तो विक्टर में या टेस्ट में कलर याद रखिएगा। पहले क्या डालेंगे, P+I2 आने का चांस कम है लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर AgNO2 और फिर HNO2, ये तो पक्का जानते होंगे NO2, और फिर इसमें डालते हैं NaOH रेड कलर। 2 डिग्री अल्कोहल में किसका रेड कलर होता है बाद में देखेंगे, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एक हैंडआउट देंगे उसमें मिल जाएगा आपको ये।
सेम कंपोजिशन, सेम सीक्वेंस फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे, सेम सीक्वेंस अगर फॉलो कीजिएगा तो यहाँ पे ये रेड कलर लेकिन सॉल्युबल रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, ये अगेन इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, अब ब्लू कलर 2 डिग्री में इनसॉल्युबल एंड ब्लू, और 3 डिग्री में सेम कंपोजिशन जो ये सीक्वेंस है कलरलेस, या यहां पे लिख दीजिए व्हाइट, इनसॉल्युबल ब्लू का मतलब ब्लू कुछ कंपाउंड बन रहा होगा जिसका कलर ब्लू है बट प्रेसिपिटेट हो रहा है सॉल्युबल सॉल्यूशन में, जिस लिक्विड में हो रहा था उससे वो क्या हो गया प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हेडिंग लिखिए, ये दोबारा इस रिएक्शन को लेकर आऊंगा, एडिशन ऑफ अल्कोहल बाय HIO4 एडिशन ऑफ अल्कोहल बाय HIO4 यहाँ देख सुनना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन बाय HIO4 ओनली फॉर दोज अल्कोहल, ऑक्सीडेशन बाय HIO4 ओनली फॉर दोज अल्कोहल इन विच OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, इन विच देर आर मोर देन वन, ऐसे लिखेगा इन विच देर आर मोर देन वन OH ग्रुप, देर आर मोर देन वन OH ग्रुप एंड OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, एंड OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, बहुत दिन भाई थोड़ा बहुत।
एक्टिव बस और या नेक्स्ट नहीं खेल पा रहा है या पाइन नहीं कर पा रहा है। हाँ स्पान कर मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली मैंने क्या बोला कि HIO4 एक पार्टिकुलर ऑक्साइड है कमाल का, एक सिर्फ उस OH ग्रुप को मतलब वो ऐसा कंपाउंड को ऑक्साइड करेगा जिसमें OH ग्रुप की मोर देन वन पहला कंडीशन और दोनों OH ग्रुप क्या होना चाहिए एडजेसेंट कार्बन करेक्ट। ये पहला पॉइंट हो गया। अचानक से सब बोल देंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। मान लेते हैं बहुत एक शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूँ ध्यान सुनिएगा। ए में पढ़ाता हूँ ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट में तो यहाँ पे ए मोर देन वन एच है और दोनों एडिशन कार्बन पे है तो जिस दो एडिशन कार्बन पे रहेगा उसको तोड़ देना है एकदम शॉर्टकट ट्रिक नो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड ठीक है। और इसको क्या करना है ब्रेक करना है। इस कार्बन के लिए आपने कितना बॉन्ड तोड़ा तो जिस कार्बन की जितना बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा बट ब्रेक तभी करना है जब एडिशन कार्बन पर रहेगा OH उसको उतना OH ले जाना है करेक्ट। इसके लिए कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ एक, इसके लिए कितना ब्रेक हुआ और अगर वन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसका वन मोल यूज होता है कितना मोल करेक्ट। और उसके बाद रफ वर्क कर लेना है CH2 था ना एवरीवन इसको रफ वर्क करना है ऐसे करेक्ट। और वन कार्बन पे दो इज पॉसिबल नहीं है ये तो और भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रेट बन गया क्या हो गया और ऑक्साइड लिए हुए हैं यहां से वाटर को आउट कर देगा और जो नजर आएगा वो लिख लीजिएगा क्या नजर आएगा देखिए जिस टेंशन कार्बन पे दो एच रहेगा उसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना है इसके लिए कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ उसको अपना OH देना है ये मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूँ और OH देने के बाद रफ वर्क करना है ये कार्बन कैसे नजर आएगा ऐसा ना CH2OH और सेम कार्बन OH पॉसिबल उसके बाद बॉटल आउट कर देना है और जो नजर आएगा वो ही क्या नजर आएगा फॉर्मल डी हाइड ये भी क्या नजर आएगा अब क्या दिखेगा बहुत सारा एग्जाम्पल ये जाते रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा जाता है साउंड। यहाँ देखिए यहाँ पे मोर देन वन OH है या नहीं है बट क्या ए OH और ए OH एडजेसेंट है नहीं है मतलब इस कार्बन का ऑक्सीजन तो जैसे है वैसे रह जाएगा ए इसका प्रॉपर्टी है बट एक OH और ए OH तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बाय टेकिंग HIO4 सिर्फ ए बॉन्ड ब्रेक होगा करेक्ट। और क्या नजर आएगा एवरीवन तो इसको क्या इसके लिए एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसको क्या देना है OH और इसको भी क्या देना है OH और देख लीजिए क्या बनेगा तो ये क्या बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप ए भी क्या बनेगा बट ए रहेगा फॉर्मल्डिहाइड और ए कंपाउंड क्या रहेगा ए रहे एक तो ए सेक्शन से क्या मिल जाएगा और इस सेक्शन से क्या मिलेगा तो सर इस सेक्शन से मिलेगा CH2 एकदम पार्टिकुलर ए है सिर्फ किसको करेगा जिसमें OH ग्रुप क्या हो एडजेसेंट कार्बन हो तो ये जैसे था वैसे रहने दिए और ए कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में रफ वर्क कर लीजिएगा किस में कन्वर्ट होगा ए कार्बन पर दो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए सर CH2OH मान लेते हैं बना दिए
चार कंटिन्यूस कार्बन पे तो OH आ सकता है ना, पांच कंटिन्यूस कार्बन पे भी आ सकता है ग्लूकोज में, कहाँ आएगा ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज में पढ़ाता हूँ ठीक है, बट अभी आपका टर्म आ गया तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको, और इसमें वहाँ भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बोले जितना भी OH है सब एक दूसरे का एडजेसेंट है, तो सारा बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ देखिएगा ए भी ब्रेक करना है, शॉर्टकट ट्रिक, ए भी ब्रेक करना है, ए भी ब्रेक करना है, कितना बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसका तीन मोल खर्च करेंगे करेक्ट, कितना इसके लिए कितना बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस कार्बन के लिए जितना बॉन्ड ब्रेक होगा उसको उतना OH देना है, तो इसको कितना OH देना है, तो पहले इसको ये बनेगा क्या वो बता दीजिए, यस लिख दें फॉर्मल्डिहाइड, इसको कितना देंगे OH वन, इससे क्या बनेगा, तो दो फॉर्मल्डिहाइड लिख देते हैं करेक्ट ना, इससे भी फॉर्मल्डिहाइड, इसको इस कार्बन को कितना OH दीजिएगा दो, इसके लिए एक ऊपर ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिस कार्बन के जितना बॉन्ड ब्रेक होगा उसको उतना OH देना है, ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है। अब इस कार्बन को रफ वर्क करना है बाहर में, तो इस एक कार्बन को दो, पहले से एक OH है और दो OH हम लोग दे दिए, हम लोग ने दिए ए दिया राइट, तो नज़र क्या आएगा, तो रफ वर्क करेंगे तो भाई नज़र सर ए आएगा CH OH OH एंड OH, क्या एक कार्बन पे दो OH पॉसिबल है, यहाँ तो तीन है तो किसी एक को जाना पड़ेगा, करेक्ट ना, तो जाने को बनेगा क्या, यहाँ से OH माइनस यहाँ से H प्लस, क्या नज़र आएगा बोला कीजिए भाई, बोलिए फॉर्मिक एसिड, ऐसे नहीं फॉर्मिक एसिड बोलिए, क्या नज़र आएगा, तो एक किसमें कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड, एक किसमें कन्वर्ट होगा, कमाल का नहीं है, बहुत टफ था, लिख लीजिए बट यहाँ पे नहीं जानते तो नहीं होता, तो और OH शुड बी व्हाट, OH शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर देन वन OH होना चाहिए, तो इन्हें तक ये रिएक्शन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग करता है, दिस इज नॉट द राइट टाइम बट बिकॉज यहाँ पे मैं इसका यूज करूँगा इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, हो जाएगा ना। अब इस एक मिनट क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा भाई, ऐसा पूछा जाएगा क्योंकि हम लोग को नहीं पता है ना को लोग कैसे क्वेश्चन सेट कर देंगे, वेयर्स रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट अल्कलाइन बोलिए KNO4 आइस कोल्ड राइट, क्या बनता था स्टूडेंट, OH राइट, तब यहां पे HIO4 डाल दिया जाएगा, क्या डाल दिया जाएगा HIO4, HIO4 क्या करेगा ब्रेक कर देगा, इस कार्बन को क्या मिलेगा, ये कार्बन क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, आई भी क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, ये आ सकता है ठीक है करेक्ट है ना, इसके लिए मैं पढ़ाया हूँ। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में इसका कॉमन नाम मैंने लिखा था, इसका नाम क्या था, ग्लिसरॉल, तो ऐसे आएगा ग्लिसरॉल में HIO4 डालते हैं क्या बनता है, नाम याद रखिएगा लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए HIO4 डालेंगे आप जल्दी से बोली तो क्या बनेगा, टू मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस वन मोल ऑफ व्हाट फॉर्मिक, कौन वाला कार्बन फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, बीच वाला ठीक है।
अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ फिनॉल में, करेक्ट, हेडिंग लिखिए फिनॉल, यहाँ पे ही फिनॉल पढ़ते हैं इसी कॉपी में। ये आपके पास बेंजीन का कॉपी है यहाँ पे? सबके पास है? प्लीज निकाल लीजिए अगर है तो। हाँ मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बेंजीन कॉपी में करना है। और यहाँ पे मुझे याद नहीं रहेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अल्कोहल का 3 लेक्चर लेफ्ट, जहाँ पे मैं अल्कोहल छोड़ रहा हूँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ से 3 लेक्चर बचा हुआ है, उसे पढ़ाना मुझे है एसीटल, हेमी एसीटल, केटल, हेमी केटल, और मुझे याद रहेगा बाकी। या लिख देते हैं यहाँ पे सोडियम जाइलिन या सोडियम अल्कोहल, इन सब का रिएक्शन, मतलब मैं खुद के याद रखने के लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है, ये सब अभी रिएक्शन बचाओ। लेकिन ये रिएक्शन आपको फर्स्ट टर्म पे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिनॉल बेंजीन का कॉपी भी लिखे फिनॉल।